वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आज मैं करने वाली हूँ एक और ब्लॉग, जस्ट रैंडम ब्लॉग होने वाला है ये। तो आज बेसिकली है फ्राइडे, तो आज हम लोग बनाने वाले हैं। मैंने बहुत दिन से मन था कि फ्रेंच फ्राइज खाने का। विक्की एक्चुअली बहुत अच्छे फ्रेंच फ्राइज बनाता है, और आपको याद होगा कि मैंने फ्रेंच फ्राइज ट्राई किया था एक बार, और वो उसमें एयर फ्रायर में, और वो अभी फेल हुआ था। तो उसमें तो एयर फ्रायर तो हम लोग नहीं निकाल रहे, वो निकालो फिर उसमें सब करो, वो एक अलग ही तामझाम है। तो विक्की आज सुबह जल्दी उठ गया था, तो उसने काफ़ी सारी प्रिपरेशंस कर ली हैं। जो हमारे पास फूड प्रोसेसर है उसमें फ्रेंच फ्राइज का अलग से कटर है, तो उसमें एक आलू चला दिया, एक ही आलू का बना रहे हैं सिर्फ, उसमें चला दिया है। एक बार उसको वॉश वॉश करके सुखा दिया है, एंड देन फिर आई थिंक एक बार उसको तल, पता नहीं क्या क्या किया है, मुझे भी नहीं पता। मैंने पूछा रिकॉर्ड किया तो विक्की बोलता नहीं उसने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो वैसा। और क्या, बस फिलहाल तो यही। और हाँ, अभी एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो अभी मैं सुबह ना एक वीडियो देख रही थी, विक्की ने मुझे सेंड किया था एक्चुअली। तो सोनू निगम ने काफ़ी कुछ डिस्क्लोज किया रिगार्डिंग दिस, जो भी ये सुसाइड हुआ है सुशांत का, कि जैसा बॉलीवुड में ये हुआ है वैसे सिंगर्स भी कर सकते हैं, कंपोजर जो होते हैं, म्यूज़िक कंपोजर्स जो होते हैं, जो न्यू कमर्स होते हैं वो कर सकते हैं। उसने अपनी स्टोरी बताई है, एंड वही कि ये लोग बॉलीवुड वाले क्या करते हैं, गैंगड अप करते हैं एंड देन फिर टारगेट करते हैं एक को। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, विवेक ओबरॉय को किस तरह से पूरा साइड कर दिया गया था एक पर्सनल खुन्नस के चलते हुए, सब ने उसको बैन कर दिया था, ठीक है। उसके बाद विवेक ओबरॉय स्ट्रांग था, उसकी फैमिली विवेक ओबरॉय को साइड कर दिया था, थैंकफुली वो सर्वाइव कर गया। विवेक ओबरॉय को किस तरह से साइड कर दिया था, बैन कर दिया गया था, जबकि वो कितना टैलेंटेड एक्टर था, वो कितनी अच्छी एक्टिंग करता था, और उस टाइम में वो बहुत पीक पे भी था, ठीक है। सेकेंड अरिजीत सिंह, आई एम सो ग्लैड कि बहुत सारे लोग, अब बड़े बड़े लोग उठ के आ रहे हैं। शेखर कपूर ने ये चीज़ का कंगना के ऊपर सपोर्ट में बोला है कि अगर इन्वेस्टिगेशन में ज़रूरत पड़ेगी तो ये लोग सब पोल खोलेंगे। कंगना तो करेगी, बट बाकी लोग भी उसके सपोर्ट में आ रहे हैं। सो आई एम ग्लैड कि अभी ये चीज़ जो बवाल हुआ है ना, ये बड़े लेवल पे जाना चाहिए और इन लोगों की पोल खुलनी चाहिए, एंड वी हैव टू बैन दीज बिग बैनर्स। आई नो नेपोटिज्म आई थिंक हर जगह ही है, एक नॉर्मल कंपनी में भी होता है। अगर सपोज किसी के पापा ने कंपनी ओपन करी है तो डेफिनेटली उसका बच्चा आएगा ही आएगा, है नेपोटिज्म। लेकिन उस नेपोटिज्म के चलते आप जो नए टैलेंट्स होते हैं उसको वो नहीं कर सकते। और सोनू निगम का मैं एक और इंटरव्यू देख रही थी, जिसमें उसने पहले वो ये शोज होस्ट करता था ना डल, और एक दो और शायद उसने जज बना हुआ है रियलिटी शोज में, तो उसने उसकी भी रियलिटीज डिस्क्लोज करी है कि कैसे अब आप देखते हो कि अभी कैसे इमोशनल ड्रामा चलता है, स्क्रिप्टेड होता है, इमेजिन यार। और मतलब बहुत सारी चीज़ें उसने बताई जो रिमिक्स सॉन्ग्स हैं आजकल के एंड ऑल दैट। तो काफ़ी सारी रियलिटी सोनू निगम, आपने सुना होगा काफ़ी टाइम से वो बॉलीवुड में गाने नहीं गा रहा है, तो उसने ये बोला कि आई एम डन विथ ऑल दीज शिट, मतलब जो भी चल रहा है, तो वैसा। और एक और अभी उसके बाद फिर न्यूज़ देख रही थी मैं, तो उस न्यूज़ में भी क्या आया था कि इंडिया के ऊपर टेररिज्म, एक तो चाइना तो अटैक कर ही रहा है, इधर से पाकिस्तान भी अटैक, बॉर्डर पे कुछ टेंशन चल रही है। मैं वही विक्की से बात कर रही थी कि जो इंसान पावर पोजीशन पे बैठा हुआ है, सपोज हमारे जो पीएम है, कितना टेंशन होगा उनके दिमाग में कि क्या क्या संभाले, क्या क्या करें, मतलब कितना सारा टेंशन की चीज़ें चल रही हैं ना अभी, सब जगह नेगेटिव वाली चीज़ें चल रही हैं। और एक और चीज़, मैं डेली न्यूज़ देखती हूँ, मतलब मैं डेली आधा घंटा क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें देखती हूँ। डेफिनेटली थोड़ी बहुत उससे नेगेटिविटी नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे लोगों ने, आई थिंक मेरी भी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिन लोगों ने न्यूज़ देखना बंद कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ जो नेगेटिविटी चल रही है। तो मैं तो लेकिन न्यूज़ देखती हूँ कि क्या चल रहा है भाई, कहाँ तक क्या हमारी गवर्नमेंट कर रही है, क्या सिनेरियो हो रहा है एंड ऑल दैट, वो देखती इसलिए भी हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आगे चल के इन फ्यूचर ये न्यूज़ और नेगेटिविटी या इसमें हो जाए, यू नेवर नो, है ना। हम प्रे करते हैं कि सब कुछ पॉजिटिव हो, बट ज़रूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव रहे, वो नेगेटिव और उसमें हो सकता है। तो उससे भागना, उसको नहीं देखना इज नॉट अ सोल्यूशन। सो इट्स बेटर कि यू जस्ट यू नो मेक योर माइंड दैट स्ट्रॉन्ग कि आपको उससे इतना फर्क ना पड़े। तो आज मेरे पास काफ़ी सारा अमेजन सा सामान आया हुआ है, तो विक्की वही लेने के लिए गया हुआ है। कुछ सामान जा रहा है और कुछ सामान आया हुआ है, तो कार में रखे हुए थे वो दो दिन से, अभी हम लेकर के आकर के उसको अनबॉक्सिंग करेंगे। तो मैं सोच रही हूँ, मैंने काफ़ी कुछ अभी अमेजन से लास्ट 20 डेज या 1 मंथ में मंगवाया हुआ है, किचन का सामान, घर का सामान और हाउस होल्ड, तो मैं सबका एक प्रॉपर रिव्यू विद अनबॉक्सिंग तो नहीं होगा क्योंकि सब खोल चुकी हूँ मैं, लेकिन मैं क्या क्या मंगवा चुकी हूँ अमेजन से उसके ऊपर प्रॉपर एक रिव्यू वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो डाल दूंगी आप सबके लिए, क्योंकि आप लोग पूछते हो कि ये बताओ वो बताओ एंड ऑल दैट, तो उसके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बना करके डाल दूंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग आई हैं और काफ़ी सस्ती भी आई हैं, बर्थडे है लेना।
एडिटिंग करूंगी. और मैं जो एडिटिंग होती है, समटाइम्स अगर मुझे फास्ट एडिटिंग करनी होती है, जैसे अभी मुझे 2 घंटे के अंदर अंदर वीडियो डालना है, तो मैं क्या करूंगी, जो बेसिक एडिटिंग है, मतलब वीडियो कट करके ज्वाइन करना, कौन सा पार्ट रखना है कौन सा पार्ट नहीं रखना है, वो मैं फ़ोन से कर लेती हूँ. और फिर इसको फटाक से लैपटॉप में ट्रांसफ़र करके, अगर मुझे कलर ग्रेडिंग करनी होती है, टाइटल्स ऐड करना होता है या इंट्रो आउट्रो ऐड करना होता है, तो मैं लैपटॉप से करके फिर फटाक से हो जाता है. अगर मुझे जल्दी करना होता है तो वैसा व्लॉग्स में तो वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि व्लॉग्स बहुत बड़े होते हैं. जैसे ये जो व्लॉग आप देख रहे हो ना, ये कम से कम मैं 50 से 60 मिनट का शूट करती हूँ. जस्ट इमेजिन, दो तीन तीन घंटे के शूट होते हैं, उसमें से मैं कट करके 15-20 मिनट की क्लिपिंग निकालती हूँ, तो वो बहुत बड़ा टास्क हो जाता है. उसमें टाइम लगता है 2 से 3 घंटा, बाकी छोटे वीडियोज मेरे फटाफट हो जाते हैं. तो मैं वही एडिटिंग करने बैठ रही हूँ. तो अगर मैं मोबाइल से एडिटिंग करती हूँ ना, तो आई यूज दिस आई मूवी है, दिस आई मूवी. तो ये वाला वीडियो एंड ये वाला वीडियो मैंने मोबाइल में ही एडिट किया हुआ है, जो मैंने खादी का डाला था एंड साथ में जो मामा अर्थ वाला डेडिकेटेड वीडियो डाला था, तो वो दोनों मेरे इसी पे एडिट हुए हैं. और अभी मैं एक और वीडियो एडिट करने के लिए जा रही हूँ. एक्सपेरिमेंट फेल्ड. क्या बना रहे थे? नाम तो मुझे भी नहीं पता. हाँ, और ये विक्की कुछ कुछ बना रहा था. क्या था ये? क्या मिक्स है? क्या मिक्स है? मुझे भी नहीं पता. पता नहीं क्या है ये, इसका कुछ अजीब सा. कहाँ है वो? खा गया मैं. विक्की खा भी गया है वो. और वो फ्रेंच फ्राइज भी दिखा दो अपने. वो खत्म हो गए, वो भी खा गया मैं. फ्रेंच फ्राइज का शेप बताती हूँ मैं कैसे बनाए थे. ऑलमोस्ट ऐसे, इतने थे ये, ऐसे मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ. ये ऐसे इतने पतले, और ये फ्रेंच फ्राइज थे विक्की के. नहीं बन रहा. और अब क्योंकि मैं भूख से मर रही हूँ, तो ये मैगी बन रही है फीकी वाली. अभी दीदी को मनाने के 101 तरीके का पहला उपाय, जब आप कुछ अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो और वो बिल्कुल डिजास्टर हो जाए, तो बैकअप प्लान ज़रूर तैयार रखिए. मेरा बैकअप प्लान तैयार नहीं था, लेकिन मैगी है, तो फिर मैंने बोला चलो बैकअप हो गया. मनाने के पहली बार मैं चिड़ी, पहली बार तो मैं कोई गुस्सा नहीं थी. ये गुस्सा नहीं, मैं गुस्सा नहीं थी. ये गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं. ये गुस्सा थी. अभी अभी देखो, बैठ जाओ उधर. तो मैंने जस्ट अभी शार लिया है, इवनिंग शार है ये. और आप पीछे देखो, सब कुछ वाइट वाइट हो गया है. मैंने जितने भी कुशन कवर्स हैं वो बिल्कुल ही चेंज करके, ऐसे बेजिश और न्यूट्रल कलर्स जो नहीं होते हैं, न्यू कलर्स मैंने सारे उसमें चेंज कर दिया है. क्रीम और बेज है, और 2 वाइट कलर के भी हैं, और एक वहाँ पर वाइट है. आई नो ये थोड़ा कैमरे में डल लग रहा होगा, बट अभी मुझे देखने में बहुत सूदिंग सा लग रहा है. मतलब सिर्फ ग्रीन एंड वाइट अभी मुझे दिख रहा है नीचे, एंड थोड़े बहुत न्यूट्रल कलर्स जो नेचुरल कलर्स होते हैं वो दिख रहा है, दैट्स इट. और दिन में मैंने कोई व्लॉग नहीं किया था, तो अभी मुझे एक्चुअली एक ब्रांड वीडियो शूट करना है, मतलब ब्रांड कोलैबोरेशन वीडियो शूट करना है, तो उसके लिए मैं फटाक से रेडी हो रही हूँ. Hey guys, तो अभी जस्ट मेरा एक थोड़ा सा पार्ट कंप्लीट हुआ है शूट का, एंड अभी मुझे मेकअप करना है, तो मैं अभी वही मेकअप करने वाली हूँ. एंड ये एयरपॉड्स मैंने इसलिए लगा करके रखे हैं क्योंकि एक बुक सुन रही हूँ मैं, तो वो बुक अभी चल रही है, तो वही मेकअप करते करते मैं सुन रही हूँ.
तो विक्की एक सपोर्टिव हस्बैंड की तरह रोटियां बना रहा है एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ हिज रोटी इज फूल रही है. एग्जैक्टली रोटियां फूल रही है विक्की की पूरी फूली. ओह माय गॉश. ओह माय गॉश. ये मतलब दो बार पलट गई सॉरी हवा में. कि मेरा आज शूट का ना ऐसा क्या होता है जनरली शूट के डेडलाइंस होते हैं. डेडलाइंस इन द सेंस मींस दो दिन तीन दिन में आपको देना होता है या चार दिन में आपको देना होता है. तो मेरा जो डेडलाइन है वो परसों है. तो आज मैं अगर शूट करूँगी रात में मैं एडिट करूँगी कल मुझे उनको देना होगा रिव्यू के लिए जाता है. अगर कुछ एडिट्स के चेंजेस होते होंगे तो वो मुझे कल तक बताएंगे एंड अदरवाइज परसों फिर मैं अपलोड कर दूंगी. ऐसा होता है. सो नाउ आई एम ऑलमोस्ट रेडी. अब मैं फटाक से चेंज करती हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ वीडियो शूट करने के बाद. आई नो डायरेक्टली मैट्रेस पे प्रेस करने से मैट्रेस खराब होती है बट मेरे मैट्रेस के ऊपर एक वाटर प्रूफ एंड कौन कौन सा रेजिस्टेंट पता नहीं कवर लगा हुआ है और उसके नीचे एक और कॉटन का कवर लगा हुआ है और उसके ऊपर बेडशीट बिछी हुई है तो इतना कुछ होगा नहीं. मेरे पास और कुछ आयरन करने की जगह है नहीं. हे गाइस तो मेरा जो शूट है वो कंप्लीट हो चुका है. ऐसे चेंज होगा चेंज करके आप लोगों से मिलती हूँ. हे गाइस तो अभी हम लोगों का डिनर हो चुका है एंड अब मैं जाऊँगी अपना नाइट रूटीन करने के लिए. मतलब ये मेकअप वेकअप जो है ये हटाती हूँ. तो अभी सबसे पहले मैं अपना मेकअप रिमूव करूँगी. मेकअप है वो इसमें रिमूव हो चुका है एंड अब फेस वॉश करने के लिए जाती हूँ मैं. फेस वॉश के लिए आई एम यूजिंग मामा अर्थ का दिस विटामिन सी फेस वॉश. इट्स विटामिन सी एंड टर्मरिक फॉर स्किन इल्यूमिनेशन. की जो फ्रेग्रेंस है इट इज एग्जैक्टली लाइक एन ऑरेंज जूस. आप ऐसा लगेगा आपको ऑरेंज सिट्रसी टाइप की बिल्कुल फ्रेग्रेंस है. तो इस फेस वॉश के अंदर विटामिन सी एंड टर्मरिक है. विटामिन सी आपके फेस से एजिंग को रोकता है एंड साथ ही साथ कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है एंड टर्मरिक एक्ने से फाइट करता है एंड आपकी स्किन को थोड़ा सा ब्राइटनिंग का इफेक्ट देता है. इस वॉश ये बेसिकली करता क्या है आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है इवन स्किन को प्रमोट करता है फाइट्स फ्री रेडिकल डैमेज आपकी स्किन को एक नेचुरल ग्लो देता है. तो अभी इसके बाद बारी आती है मामा अर्थ के विटामिन सी टोनर की. विटामिन सी कोलेजन को इंक्रीज करता है एंड आपकी स्किन के जो पोर्स है उनको टाइटन अप करता है एंड साथ ही साथ इसके अंदर मिला हुआ है क्यूकम्बर. क्यूकम्बर के अंदर एस्ट्रोजन प्रॉपर्टीज होती है तो ये आपके पोर्स को डीप क्लेंज करता है. सो दिस इज हाउ माई स्किन लुक्स लाइक राइट नाउ. नाउ जो थर्ड रिजीम आती है वो आती है ये है स्किन एलिमिनेटिंग सेरम बाय मामा अर्थ फॉर रेडियंट स्किन. बेसिकली विटामिन सी एंड टर्मरिक मिला हुआ है. निम्फिया अल्फा फ्लावर एक्सट्रैक्ट मिला हुआ है साथ ही साथ इसके अंदर स्क्वेलिन मिला हुआ है. स्क्वेलिन बेसिकली कोलेजन को बूस्ट करता है. निम्फिया अल्फा फ्लावर एक्सट्रैक्ट जो है ये बेसिकली करता क्या है ये आपकी स्किन को सूदन आउट करता है इरिटेशन रेडनेस इन सबको हटाता है और विटामिन सी मिला हुआ है जो की प्री मेच्योर एजिंग को रिड्यूस करता है. ये बेसिकली हाइपो पिगमेंटेशन और आपकी स्किन से जो फाइन लाइन्स है उसको कम करने में हेल्प करता है. स्किन टाइप वाले इसको लगा सकते हैं लाइक ऑयली स्किन एंड ड्राई स्किन सेंसिटिव स्किन हर तरह के स्किन टाइप वाले इसको यूज कर सकते हैं. तो सेरम लगाने के 2 मिनट तक आपको रुकना है एंड इसके बाद लास्ट स्टेप आती है स्लीपिंग मास्क की. मास्क के लिए मैं यूज करने वाली हूँ ये है मामा अर्थ का विटामिन सी स्लीपिंग मास्क विद एलोवेरा एंड विटामिन सी. तो ये है स्लीपिंग मास्क जो कि आपको लगा करके रखना है ओवरनाइट एंड मूव लाइक कंसिस्टेंसी है इसकी. मैं आपको स्किन पे दिखाती हूँ कि कैसा दिखता है. लुक एट दिस. This is looking like a primer. जैसे primer नहीं होता है ये बिल्कुल वैसा दिख रहा है. आपको skin पे लगेगा भी नहीं कि आपने कुछ लगाया है. इतना ज़्यादा smooth है ये कि मैं आपको क्या बताऊँ. तो ये आपको skin पे लगाना है. Last 4th step है. And जब आप सुबह उठेंगे तो आपको visible glow दिखेगा जो कि कल मैं आपको सुबह जब सोकर के उठूंगी तो आपको दिखाऊंगी अपने skin पर. तो इसके अंदर vitamin C and aloe vera मिला हुआ है. Basically vitamin C क्या करता है अभी मैं काफी सारी बार बोल चुकी हूँ. Actually vitamin C क्या करता है. इसके लिए जो sleeping mask है आपके skin से जो radiance lost हो चुका है उसको recover करेगा. Sign of aging pigmentation को हटाएगा आपकी skin को eliminate करेगा. Now you can just look at this shine of my skin. मेरी skin oily नहीं लग रही है बट काफी shiny लग रही है. तो मैं कल सुबह आपको इसका रिजल्ट बताऊंगी कि मेरी स्किन कैसी ग्लो कर रही है. तो जैसे कि हम सबको पता है कि विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखता है उसी तरह से विटामिन सी आपकी स्किन की इम्यूनिटी को भी काफी अच्छा रखता है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज विटामिन सी प्रोडक्ट्स इन योर प्रोडक्ट अगर आपको ग्लोइंग एंड इल्यूमिनेटिंग स्किन चाहिए. अगर आपको उसका कंसर्न है जो कि एज के साथ कम होता जाता है आपके स्किन का ग्लो तो अगर आपको वो चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली यूज दीज प्रोडक्ट्स. यू ऑल नो दैट मामा के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो 100% नेचुरल होते हैं हार्मफुल केमिकल से फ्री होते हैं पैराबेन सल्फेट उनके अंदर नहीं होता है. मामा के प्रोडक्ट्स जो है वो सर्टिफाइड है
हैं एज अ क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स बाय फेटा. मामाअर्थ इज ऑल्सो अ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड. ये जितना प्लास्टिक प्रोड्यूस करते हैं उससे ज्यादा प्लास्टिक ही रिसाइकल करते हैं. स्क्रीन पे दिया हुआ अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है मामाअर्थ की वेबसाइट पे. इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ये अमेज़न, नायका और mamaearth.in पर अवेलेबल है. इनका एक और प्रोडक्ट है जो कि है विटामिन सी फेस मास्क. बेसिकली इसको आप दिन में यूज कर सकते हैं. ये स्लीपिंग मास्क है और ये दिन का मास्क है. तो दिन में ऑब्वियसली आप मॉर्निंग में तो आप ये यूज नहीं करोगे, तो आप इस तरह का कर सकते हैं डेफिनेटली. तो अब मैं डायरेक्टली आप लोगों से मिलती हूँ मॉर्निंग में. और अभी हम लोग कोई सीरीज देखने वाले हैं गाइस. तो अभी लेट्स सी हम लोग कोई सीरीज देखने वाले हैं. कल हम लोगों ने मूवी देखी थी पिराना. बहुत पुरानी मूवी है, 2010 की है. यस हाँ, पिराना 3D देखी थी और फिर पिराना 3DD दोनों देखी थी. तो पिराना जो 3D थी 2010 वाली, वो तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी. बट जो पार्ट 2 था वो बहुत ही बकवास था, उसकी रेटिंग भी बहुत गंदी थी. बट हम लोगों ने फिर भी देख ली थी. तो जो डी है 3D है वो अवेलेबल है अमेजन प्राइम पे, और जो 3DD है वो MX प्लेयर पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. हाई गाइज, गुड मॉर्निंग एंड लुक एट माई फेस राइट नाउ. मैंने अभी तक अपना फेस वॉश नहीं किया है एंड यू कैन सी द ग्लो. थोड़ा बहुत ग्लो है अभी, मतलब जो विटामिन सी वाला मैंने लगाया था. सो आई रियली लाइक इट. हाँ, द ग्लो इज रियली रियल. और ये ऑयल नहीं है फॉर श्योर, मतलब दिस इज नॉट द ऑयल. ये नॉर्मल जो ग्लो होता है स्किन का, ये वो है. एंड अभी मैं सुबह फटाफट से, सबसे पहले तो मैं एडिटिंग करने के लिए बैठ रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ एडिट करके आज देना है. तो मैं हार्डली, मुझे एक घंटा लगने वाला है क्योंकि मैंने जो बेसिक एडिटिंग होती है वो मोबाइल से कर लिया है. अब मुझे थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं तो वो मैं इससे करूँगी, अपने जो मेरे लैपटॉप में सॉफ्टवेयर है वो उससे होता है. और मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में. सो वी जस्ट रिसीव दिस टेबल, लैपटॉप टेबल है ये. एंड इसमें द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस टेबल इज़ कि ये इस तरह से अंदर चला जाता है, तो आपको जितना पास चाहिए उतना पास आप इसको एज अ यूज़ कर सकते हैं. इस टेबल का जो लैपटॉप रखने का बेस है उसमें एडजस्टमेंट्स हैं, मतलब वो 3 एडजस्टमेंट सेटिंग है. ऊपर की तरफ स्लैंटिंग है और एक आपके जो आई लेवल का रेंज है उसमें एक आप एडजस्ट कर सकते हो, तो जो कि बहुत ही परफेक्ट है एंड बहुत ही ज़्यादा स्टर्डी है. मतलब बहुत स्टर्डी मैं बोलूँगी कि टूटने का इसमें कुछ है ही नहीं कि ये टूटेगा. ठीक है, आप इसको अपने बेड के नीचे ऐसे अंदर डाल करके रख सकते हो, आप कहीं पर भी बैठ करके काम कर सकते हो. और ये इतना हल्का फुल्का है कि बच्चे ईजिली इसको ऑपरेट कर सकते हैं अगर आपके घर में बच्चे हैं तो. और बहुत परफेक्टली फिट इन हो जाता है, आप बैठ करके नीचे बैठ करके भी काम कर सकते हैं. हाइट एडजस्टमेंट इसमें बहुत शानदार दी हुई है. आई रियली लव दिस टेबल. इसमें इस तरह से भी इसको यूज कर सकते हैं नीचे बैठ करके, तो ये बहुत ही परफेक्ट टेबल है. इनफैक्ट इफ यू हैव किड्स, अगर आपके यहाँ किड्स है ना तो उनके लिए तो ये बेस्ट है क्योंकि इसमें टूटने उठने का कुछ हो नहीं. अभी इसको मैंने कहाँ से लिया है, ये कितने का है, सब कुछ मैं जल्दी शेयर करने वाली हूँ एक डेडिकेटेड हॉल में. एक और चीज़ है वो और आ जाए तो आप कंपेयर करके ले सकते हो. एंड आज का जो वीडियो है वो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.